हेडलाइन में आइए बढ़ते हैं भोपाल की खास खबरों की ओर। चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग का बयान, मध्य प्रदेश में वैक्सीनेशन महाअभियान में 12 लाख से ज्यादा लोगों के वैक्सीनेट होने पर कहा, प्रसन्नता की बात है कि वैक्सीनेशन के मामले में मध्य प्रदेश लगातार नए रिकॉर्ड कायम कर रहा है। कल भी हमारा महाअभियान बहुत सफल रहा, हमारा लक्ष्य है उपस्थित हितग्राहियों को 30 सितंबर तक वैक्सीनेट करना, एक एक व्यक्ति को हमारा अमला वैक्सीनेशन लगाने के लिए जागरूक कर वैक्सीन लगा रहा है। यूनिक हेल्थ कार्ड की लॉन्चिंग पर बोले, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है और विकास और कल्याण की अवधारणा को स्थापित कर रहा है। यूनिक हेल्थ कार्ड की लॉन्चिंग कल प्रधानमंत्री जी ने की है। अब डिजिटल माध्यम से हर एक व्यक्ति की हेल्थ हिस्ट्री रखी जाएगी। मध्य प्रदेश में केंद्र सरकार के दिशा निर्देश के अनुसार हम अपनी रणनीति बनाएंगे, ये देश के भविष्य और जनता के स्वास्थ्य के लिए नरेंद्र मोदी जी का बड़ा उपहार है। कांग्रेस के किसान आंदोलन को लेकर बोले, कांग्रेस का किसान आंदोलन टाइम टाइम फिश रहा, दिग्विजय सिंह के साथ एक भी किसान नहीं था। शहर भर के गुंडे बदमाशों को लेकर दिग्विजय सिंह प्रदर्शन कर रहे थे। दिग्विजय सिंह किसानों के हितैषी नहीं है बल्कि अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए किसानों की बात कर रहे हैं। दिग्विजय सिंह के सरस्वती शिशु मंदिर पर टिप्पणी करने को लेकर बोले, निश्चित रूप से दिग्विजय सिंह पर आपराधिक प्रकरण दर्ज होना चाहिए। मैं व्यक्तिगत रूप से मानता हूं कि दिग्विजय सिंह पर कठोर से कठोर कार्यवाही होनी चाहिए। इस देश में लाखों लोगों से सरस्वती शिशु मंदिर में संस्कार और देश प्रेम की शिक्षा ली। दिग्विजय सिंह अगर सरस्वती शिशु मंदिर में पढ़ते तो इस तरह की बात नहीं करते। दिक्कत यही हो गई है कि उन्होंने संस्कार धारण नहीं किए। मैं उनसे कहूंगा कि इस उम्र में भी जाएं, क्योंकि ज्ञान और संस्कार अर्जित करने की कोई उम्र नहीं होती। उपचुनाव की तारीखों के लेकर ऐलान पर बोले, भारतीय जनता पार्टी सभी चुनाव प्रचंड बहुमत से जीतेगी। हम ये सुनिश्चित करते हैं कि हम विकास और कल्याण की राजनीति को स्थापित करेंगे। मैं सभी क्षेत्रों में घूम के आया हूँ और जिस तरह से जनता का लगाव भारतीय जनता पार्टी के साथ है वो भाजपा की जीत को इंगित करता है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी सभी चुनाव प्रचंड बहुमत से जीतेगी और हम ये सुनिश्चित करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से जिस लक्ष्य को लेकर हम सरकार चला रहे हैं उस लक्ष्य की प्राप्ति करते हुए हम मध्य प्रदेश में विकास और कल्याण की राजनीति को स्थापित करेंगे और ये सुनिश्चित करेंगे कि हमारी सभी क्षेत्रों में हम समुचित विकास कर सकें। मैं सभी क्षेत्रों में घूम के आया और जिस प्रकार से जनता का लगाव भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है वो इस बात को इंगित करता है कि हम सभी उपचुनाव प्रचंड बहुमत से जीतेंगे। देखिए, डेंगू के मामले में पूरी तरह नियंत्रण में है मामला और कहीं भी किसी भी तरह से इलाज की कोई कमी नहीं है। पूरे प्रदेश में सुचारू इलाज चल रहा है। देखिए, ऐसा कोई बहुत अनुपातिक रूप से बच्चे बढ़ रहे हैं ऐसी बात नहीं है। निश्चित रूप से वायरल फीवर है, ये रूटीन में हर साल होता है, मौसमी बुखार है ऐसा डॉक्टर्स का कहना है, परंतु हमने पूरी तरह संज्ञान लिया और ये सुनिश्चित किया है कि सभी बच्चों का या एडल्ट का पूरी तरह से इलाज सुनिश्चित किया जाए। रूप से दिग्विजय सिंह के खिलाफ आपराधिक प्रकरण दर्ज होना चाहिए। हम भी शिशु मंदिर में के निकले हुए छात्र हैं और इस देश में हजारों और लाखों देशभक्त ने शिशु मंदिर में देश प्रेम की और संस्कार की शिक्षा ली है। मैंने कल भी कहा था कि दिग्विजय सिंह यदि शिशु मंदिर में पढ़ते तो वो इस तरह की बातें नहीं करते। दिक्कत यही हुई, प्रॉब्लम यही हो गई कि दिग्विजय सिंह ने संस्कार धारण नहीं किए और मैं तो अभी भी उनसे कहूंगा कि वो जाएं इस उम्र में भी, क्योंकि कोई भी ज्ञान अर्जित करने की और संस्कार अर्जित करने की कोई उम्र नहीं होती। वो इस उम्र में भी यदि शिशु मंदिर में जाकर ज्ञान अर्जित करेंगे तो उसका फायदा मिलेगा। शिशु मंदिर में देशभक्त बनते हैं, देश को प्यार करने वाले, वंदे मातरम गाते हुए इस देश के लिए अपना सर्वस्व निछावर करने वाले लोग शिशु मंदिर में निर्माण होते हैं। वो जिस प्रकार की बातें कर रहे हैं ये इस बात को इंगित करता है कि वो केवल और केवल इस देश में विघटन और विभेद की राजनीति को स्थापित करना चाहते हैं। दिग्विजय सिंह जी, मैं आपको सलाह दूंगा कि आप शिशु मंदिर में जाओ और संस्कार अर्जित करो। ये तो मीडिया ने ही कहा कि कल तो टाइटा फिस रहा,
मामला, दिग्विजय सिंह जी के साथ जितने लोग बैठे थे उनकी एक फोटो में बता दो कि एक भी किसान हो। शहर भर के गुंडा बदमाशों को इकट्ठा करके दिग्विजय सिंह जी प्रदर्शन कर रहे थे। अच्छा रहता कि दिग्विजय सिंह जी के साथ एक भी किसान दिख जाता। आप उठाकर देखिए, आज मैंने मीडिया की फोटो देखी, कल के सभी टीवी के कवरेज देखे, तो अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए और अपनी राजनीतिक बिसात जमाने के लिए दिग्विजय सिंह जी किसानों की बात कर रहे हैं। वो किसानों के हितेशी नहीं है। दिग्विजय सिंह जी इस बात की तो इत्तला किसानों को दे दें कि 10 साल जब वो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे तो उन्होंने फिर किसानों के लिए क्या कुछ किया। 15 महीने उनके सहयोग से कमलनाथ जी की सरकार चली, जिसमें अखंड भ्रष्टाचार हुआ, उसमें किसानों के हित में दिग्विजय सिंह और कमलनाथ ने क्या किया। कांग्रेस ने तो वादा किया था किसानों का कर्जा हम माफ करेंगे, एक भी किसान का 2 लाख का कर्जा माफ किया तो उसका नाम बताएं। और आश्चर्य की बात है कि कमलनाथ जी कल दिग्विजय सिंह जी भोपाल में किसानों के हित के लिए बैठे, पर शहर के गुंडों को तो उन्होंने इकट्ठा कर लिया, पर एक भी किसान उनके साथ खड़ा नहीं हुआ। नहीं देखिए, निश्चित रूप से यदि ऐसे कोई मामला आएगा तो सरकार संज्ञान लेगी, और यदि राष्ट्रीय बाल आयोग ने कोई निर्देश दिया तो उसका भी पालन होगा। और मैं व्यक्तिगत रूप से मानता हूं कि दिग्विजय सिंह जी के खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए, मेरा यह सब व्यक्तिगत मानना है। अन्यता की बात है कि वैक्सीनेशन के मामले में मध्य प्रदेश लगातार रिकॉर्ड कायम करता आ रहा है। कल भी हमारा वहाँ वैक्सीनेशन अभियान बहुत ही सफल रहा, और हमारा जो लक्ष्य है कि हम 30 सितंबर तक जो उपस्थित हमारे पात्र हितग्राही हैं उनको हम 100% वैक्सीनेट कर देंगे। जैसा मैंने पहले भी कहा था कि बहुत हितग्राही ऐसे हैं जो कि भौतिक रूप से उपस्थित नहीं है, उनका लिस्ट में नाम तो था, उनको रिकंसाइल किया गया है, और एक एक व्यक्ति को आइडेंटिफाई करके हमारा अमला वैक्सीन लगाने के लिए जागरूक भी कर रहा है और वैक्सीन लगा भी रहा है। ऐसे भी कुछ लोग हैं जो कि वैक्सीन नहीं लगवाना चाहते, हमारी उनसे भी अनुरोध है कि अब ये सुनिश्चित हुआ है कि वैक्सीन के बहुत सकारात्मक परिणाम हैं, इसका कोई रिएक्शन नहीं है, इसके कोई दुष्परिणाम नहीं है, इसलिए सभी लोगों से हमारा निवेदन है कि सभी आगे आए और ये सुनिश्चित करें कि अपने और अपने परिवार की सुरक्षा के लिए वो जरूर वैक्सीनेट हो। हमें प्रसन्नता है कि हमारे व्यवस्था में पूर्णतः लोगों ने वैक्सीन लगाई है, जो सरकारी अमला है उसने, और हमारे क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप के माध्यम से हमारे समाज के लोगों ने भी आगे बढ़कर वैक्सीन लगवाई है, वैक्सीन लगाने में सरकार का साथ दिया। मैं सभी को बहुत बधाई देता हूँ, और यह हम सबके लिए प्रसन्नता की बात है कि मध्य प्रदेश वैक्सीन के मामले में लगातार अच्छा काम कर रहा है। निश्चित रूप से देश आगे बढ़ रहा है, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश विकास और कल्याण की अवधारणा को स्थापित कर रहा है। हेल्थ, लोगों की चिकित्सा, लोगों की स्वास्थ्य, यह हमारी सरकार की प्राथमिकता है, पर उसके साथ साथ उसमें नई तकनीक के माध्यम से लोगों की पूरी मेडिकल हिस्ट्री पूरे देश में बन सके और उसके माध्यम से किसी भी व्यक्ति के आगे के इलाज में सुचारू रूप से व्यवस्था का स्थापन हो सके, इसको लेकर यूनिक हेल्थ कार्ड की लॉन्चिंग कल माननीय प्रधानमंत्री जी ने की है, और डिजिटल माध्यम से अब हर एक व्यक्ति का हेल्थ हिस्ट्री रखी जाएगी। मध्य प्रदेश में केंद्र सरकार की जो जो दिशा निर्देश है उस हिसाब से हम भी इस काम में पूरी तरह से आगे अपनी रणनीति बनाएंगे। निश्चित रूप से ये देश के भविष्य के लिए और हमारी जनता के स्वास्थ्य के लिए नरेंद्र मोदी जी का एक बड़ा उपहार है। मैं इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को साधुवाद करता हूं, उनको धन्यवाद देता हूं, जिस तन्मयता के साथ वो सरकार के माध्यम से इस देश की जनता का कल्याण करने में लगे हैं, वो निश्चित रूप से अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और इस योजना के माध्यम से आगे आने वाले समय में हिंदुस्तान
का हर एक व्यक्ति स्वास्थ्य के मामले में और ज्यादा सुविधाएं प्राप्त कर सकेगा। सर्जिकल स्ट्राइक के माध्यम से हमारी सेना ने अपने शौर्य को स्थापित किया और ये बात सुनिश्चित की कि हिंदुस्तान की एकता अखंडता के लिए, हमारी आजादी को चिरस्थायी रखने के लिए हमारी सेना तत्पर भी है और पूरे जोश के साथ हमारी रक्षा भी कर सकती है। हम करोड़ों देशवासी सेना के प्रति और उन शहीदों के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहते हैं जिन्होंने देश की आजादी के बाद इस देश के लिए अपना सर्वस्व निछावर किया। हमारी सेना और हमारे सैनिक निश्चित रूप से हम सबकी आन बान और शान है। हम उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं।